कोई भी सिचुएशंस आती है, अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है तो एकदम से हमारे मन में उसका मतलब इम्पैक्ट पड़ जाता है कि यार वो दिक्कत में, तो इसकी वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है जिससे हम टेंस्ड रहते हैं. मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे की प्रॉब्लम को देख के भी प्रॉब्लम आने लग जाती है. सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इस दुनिया में जो दुख है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, दुखी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो अब इस दुनिया को और दुखी लोगों की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आपके आसपास में कोई दुखी हो भी रहा है, अब यही लोगों की गड़बड़ है. लोगों को, कईयों को ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है फिर भी आप हंसते क्यों रहते हो. मुझे कई लोग जो मिलते हैं ना पार्टीज़ में, कहते हैं यार आप इतनी पॉजिटिव बातें करते हो, इतना जो नेगेटिव हो रहा है उसका क्या. मैंने कहा अगर मैं बैठ के रोने लग जाऊँगा तो क्या वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. लगाओ दिमाग कि अगर मैं भी दुखी हो जाऊँगा तो क्या लोगों का दुख कम हो जाएगा या बढ़ेगा. और बढ़ जाएगा. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती है बोलने में. लोगों को ये भी बोलने में डर लगता है कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए. होता है, घर वाले बोलते हैं ज़्यादा खुश मत हो नज़र लग जाएगी, है ना, अपने सर पे एक बजर बट्टू लगा करके चल नज़र लग जाएगी. तो खुल के हंसते भी नहीं है, मतलब हंसने में भी ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी के बाप का कर्जा देना है. सोचने वाला पॉइंट है भाई. मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत है, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स. जो जितने ज़्यादा काम करेगा उसकी लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होंगी, ये समझ लेना. जो जितने ज़्यादा काम करेगा, और मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, मैं कोई पहाड़ पे नहीं बैठा हूँ, ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ. तो जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं दुखी क्यों हूँ. मुझे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं, राइट. मेरे दुखी होने से क्या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल जाएंगे? नहीं. अगर मैं खुश हूँ और कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो मैं सॉल्यूशन निकाल लूँगा. बस इतना सा हमको समझना है कि आपको हमेशा खुश रहना है. आपको, और खुश कब रहोगे, अब सवाल ये आता है खुश कैसे रहते हैं. जब भी आप लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखते हो आप खुश रहते हो, जब भी आप लाइफ की नेगेटिव साइड को देखते हो आप दुखी रहते हो. इसको समझने में दिक्कत क्या है? लोगों को अगर आप देखोगे उनका जो एटीट्यूड है, बारिश ज़्यादा हो जाए तो दुखी, कम हो जाए तो दुखी, धूप ज़्यादा पड़ रही है गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है, अब ठंड बहुत है ठंड बहुत है ठंड बहुत है, गर्मी क्यों नहीं पड़ रही, ठंड क्यों नहीं पड़ रही, समझ रहे हो? बस यही उलझे पड़े हैं, इसके आगे उनकी सोच जाती ही नहीं है. तो अब आपको रुक करके अपने आप से सवाल पूछना है, और ये लोग कहीं बाहर नहीं है, आपके घर में है, आपके आसपास में है. तो अब आपको रुक करके अपने आप से सवाल पूछना है, क्या मुझे भी ऐसे ही बनना है? इफ द आंसर इज येस तो चलते रहो जैसे चल रहे हो, इफ द आंसर इज नो तो इमीडिएटली अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करो. जो हो रहा है हो रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है पड़ रही है, अब देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग गर्मी ज्यादा क्यों पड़ रही है. सर हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन जिससे आप जुड़े हुए हो, हाँ उनकी नहीं ले सकते, उनकी नहीं ले सकते, उनको कम्युनिकेट कर एक लेवल तक कर सकते. क्यों करना है? वो जो नेगेटिव थे नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहेंगे, ये सोच करके चलो पहले तो अपने माइंड. अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो. और एक्चुअल में अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो अब आप देखोगे लाइफ अलग ही डायरेक्शन में चली जाएगी. लोग मेरे पास में आते हैं कहते हैं कि आपकी वाइब्रेशन में आते ही हमको अच्छा फील होने लग जाता है. आप लोगों को भी हो रहा होगा. हाँ, उसके बावजूद मेरे घर में या मेरे घर के आसपास में या मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्ट्रा नेगेटिव हैं, तो अल्ट्रा हाइपर नेगेटिव. तो अब ऐसे में क्या करता हूँ मैं वो भी देख करके इंजॉय करता हूँ, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, कभी कोशिश ही नहीं करी अपनी कंडीशनिंग चेंज करने की, तो वो ऐसे हो गए हैं. तो मैं आराम से बैठ करके उसको इंजॉय कर रहा होता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है, उसमें दुखी क्यों होना है? इंजॉय नहीं कर सकते? एक्चुअल में पनौती होते हैं. सीरियसली सर, अब उन अगर पनौतियों को आप बार बार देखोगे या उनके पनौतियों की पनौती पंती को आप देखोगे तो आप खुद पनौती बन जाओगे. इसको ध्यान से समझ लो. दूर कैसे रहे? दूर नहीं रहना है, मन में दूर रहना है. एक्चुअल में आप उनसे जुड़े कहां हो? आप तो उनके फ्रेंड ही हो. कसम से मैं उसको यहां इसलिए नहीं लाया कि कहीं सेशन ही कैंसिल ना हो. आपकी दोस्ती खत्म होने वाली है. फोकस करना जरा, आइए फोकस करना. सर नहीं होगी. रीजन बीइंग यू वोंट बिलीव, दिल्ली में किसी नए रेस्टोरेंट में वो चला जाता है, वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता. अब तो उनको यहाँ ले करके आओ. मैं देखता हूँ मेरे सेशन बंद होते हैं. अगर मैं अभी उसको फोन मिला के बोलूंगा ना तो ये बात वो खुद एक्सेप्ट कर लेगा फोन. और 50 बंदे और होंगे जो एक्सेप्ट कर लेंगे साथ में. अगर वो आपकी बाइक के पीछे बैठा तो आपका एक्सीडेंट हो गई हो. 3 बार तो सर मेरा हुआ. समझाना नहीं है. कुछ भी नहीं करना है. वो जैसे है उनको वैसे ही रहने दो. वो दुखी रहना चाहता है रहने दो. मैं क्यों जबरदस्ती जाकर के उसको सुखी करूं? मैं सिर्फ अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि मुझे खुश रहना है. खुशी कब मिलेगी? जब मैं सही ट्रैक पे चलूँगा. सही ट्रैक क्या है? लाइफ की जो पॉजिटिव सिचुएशंस है उसको देखना, ये सही ट्रैक है.
हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखना, ये सही ट्रैक है। लोगों की अच्छाई को देखना, ये सही ट्रैक है। हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, ये सही ट्रैक है। इन सबसे दुखी होना, ये सब गलत ट्रैक है। चॉइस आपके हाथ में है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यही करो, मर्जी आपकी है। आपको ऐसा बनना है ऐसे बन जाओ, आपको ये बेटर लगता है तो, ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो, आपको कुछ और बनना है तो अपनी थिंकिंग को धीरे 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 चेंज करते चले जाओ। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो अपने अंदर, झांक करके देखो कि हाँ, इसका मतलब मैंने ना उसके बारे में कुछ गलत सोचा था, इसलिए ऐसा गलत फील हो रहा है। तो क्या उस बंदे में कोई अच्छाई नहीं है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो? है ना। तो मैं उसकी अच्छाई को क्यों नहीं देख रही? मैं उसकी अच्छाई को क्यों नहीं देख रहा? मैं उसकी बुराई को ही क्यों देख रहा हूँ? उस पनौती की बुराई को क्यों देख रहा हूँ? क्या उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है? हो सकता है बहुत अच्छा हो, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो और आप रो करके उसके पास में गए, उसने गले लगा लिया हो। नहीं सर, एक उसकी क्वालिटी तो है, ये बात तो हर बंदा एडमिट करेगा कि मैं पर्सनली अपनी लाइफ में आज तक जितना उसके साथ हंसा हूं ना, कभी नहीं हंसा। हाँ बताओ, अब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है सर? वो राह चलते बंदे को हंसा देता है। तो हम अच्छाई को क्यों नहीं देखते हैं? हम बुराई को क्यों देखते हैं? सारी जो जर्नी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो है बाहर से अपना ध्यान मोड़ देने की और अपने अंदर अपना ध्यान लगा देने की, कि मुझे सिर्फ खुद को बेटर बनाना है भाई।